फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मूंग के भजिए। मूंग के भजिए में मैं पीसने जा रही हूँ मूंग दाल को। तो इसमें मैंने मिर्ची डाली है और ये लहसुन पड़ा हुआ है और अब मैं इसमें डालूँगी खड़ा धनिया। खड़ा धनिया का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये अब पिसा धनिया मत डालना, पिसा धनिया डालने का कोई मतलब नहीं है। अब खड़ा धनिया डालना, देखिए इतनी क्वांटिटी में मैंने डाल लिया खड़ा धनिया, मान के चलो एक चम्मच के आसपास आप लोग डाल लेना। और अब मैं इसको पीस लूँगी और इसमें पानी, पहले तो आप ऐसे धो के रख लेना दाल को और आपको जितनी रिक्वायरमेंट लगे पानी डालना, अदरवाइज़ थोड़ा सा ड्राई रखना आपको, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेना। और एक बार धीमी तेज़ करके पीसेंगे तो बहुत अच्छी पीसेगी ये दाल। ओके जब आप ऐसे पीसेंगे ना तो इसको चम्मच से चलाते रहिए तो ये जो बड़ी वाली नीचे आ जाएगी और जो पीस गई है वो ऊपर आ जाएगी, तो आपको इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मिक्सी में बहुत अच्छी दाल पीस लोगे। मैं फरे वरे के लिए सब इसी में दाल पीसती हूँ। मैं फरे का थोड़ा सा ड्राई रहता है, दाल के कटलेट की दाल सब मैं इसी में पीसती हूँ मिक्सी में। मम्मी लोग बोलती है सिल्वर की अच्छी होती है, बट सिल्वर अच्छी होती है, बट मैं सिल्वर कहाँ से लाऊँ, नहीं हो गया पाया कभी। तो बस इसको एक चक्कर लगाना, हमें इतनी खड़ी रखनी है दाल को। ओके देखो दाल ही पीस गई है, बस आपको ऐसे रखना, कहीं कहीं देखो खड़े खड़े से दिखेंगे आपको एक दो दाल, ये देखिए। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट। इसको थोड़ा सा रहने देना, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ। फ्रेंड्स ये दाल पीस चुकी है और इसमें मैंने क्या डाला था आपको पता है ना, लहसुन और मिर्ची डाल के मैंने पीसी थी। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी तो वो दिखाना है मुझे आपको। ये हल्दी पाउडर है, बहुत लोग डालते हैं और बहुत लोग नहीं डालते हैं, तो आपके ऊपर है ये। और ये मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर दिया मैंने थोड़ा सा। ये मिर्ची है और धनिया नहीं डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि धनिया पीसी थी मैंने, वो गलती से डाल दिया मैंने। और फिर ये नमक डालेंगे अपनी टेस्ट के हिसाब से, नमक डाल दिया। अजवाइन थोड़ी सी डालनी है और मैं सौंफ डालती हूँ, तो सौंफ भी डालना आप, ये वाली सौंफ डालना, छोटी वाली सौंफ, तो उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और यही ज़रा सी हींग डाल रही हूँ मैं। हींग से क्या होता है ना, दाल की चीज़ें हैं तो पच जाती हैं और हींग की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यदि जिसको नहीं अच्छी लगती है तो वो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बट हींग डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब इन सबको मिला के मेरे को पूरा फेंट लेना है अच्छे से। और ये तेल गरम कर लिया है, फिर से मैंने मान ली कढ़ाई और तेल लगा दिया, साफ़ हो गई मेरी कढ़ाई। ये दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, अब इसके भजिए में डाल रही हूँ। देखिए भजिए कितने फूल गए हैं, मैंने छोटे छोटे से डाले थे और ये फूल गए, क्योंकि इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। फेंटेंगे ना तो फेंटने से काफ़ी स्पंजी और बढ़िया अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड फाइनली मेरे भजिए बन गए हैं, देखिए बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद है मुझे। तो इतने पास से आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और